हेलो फ्रेंड्स, देखिए सर्दियाँ आने वाली है तो इस सीज़न की सबसे पहली सब्ज़ी हम कौन सी लेकर आते हैं? गोभी, जो सभी की फेवरेट होती है। तो चलिए आज मेरे साथ मिलकर बनाइए आलू और गोभी की स्वादिष्ट सब्ज़ी। सबसे पहले हम कुकर में गरम कर लेंगे सरसों का तेल। आप चाहे तो किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, पर मुझे लगता है कि सरसों के तेल में आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। प्याज को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे। उसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। मैंने इसमें 2 टमाटर काटे हुए थे, पर अभी मैं यहाँ पे आधा टमाटर यूज़ कर रही हूँ। और मसालों में मैं यहाँ पे डालूँगी 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे नमक। फिर सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे और इसे स्लो फ्लेम पे ही मसालों को हम भूनेंगे। टमाटर के साथ में मैंने मसाले इसलिए डाल दिए कि मुझे यहाँ पे पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। टमाटर और नमक डालने से मसाले जो है वो अच्छे से भून जाते हैं, इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए स्लो फ्लेम पर मसाला जो है हमारा फ्राई हो रहा है, और नमक डालने से, टमाटर डालने से इसमें अच्छा खासा पानी भी है, उसी में मसाले जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। देखिए ऑयल जो है वो भी सेपरेट होने लगा है, मसालों से तेल जो है वो अलग हो गया है। मसालों को हमेशा धीमी आंच में ही भूनना चाहिए, इससे जो है वो सब्ज़ी का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और दूसरा मसालों की महक भी बहुत अच्छी आती है। मसाले अच्छी तरह से भून जाते हैं स्लो फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट देखिए हमने मसालों को भून लिया अच्छे से स्लो फ्लेम पे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू और गोभी जो हमने काट के रखा था। मैंने इसमें गोभी के जो सॉफ्ट डंठल थी वो भी इसमें यूज़ की है, अगर आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं। सब्ज़ी को अब हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें फ्राई करना है। सारे मसालों को अच्छे से सब्ज़ी के साथ में मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे सब्ज़ी को। इसमें हम नमक ऑलरेडी डाल चुके हैं, इसलिए हम फ्लेम हाई करके फ्राई कर रहे हैं सब्ज़ी। और टमाटर जो है वो पहले हमने आधे डाल दिए थे, बाकी के जो बचे हुए टमाटर हैं वो अब हम इसमें सब्ज़ी को फ्राई करने के बाद डालेंगे, जिससे कि सब्ज़ी में थोड़ा सा खट्टापन आ जाए, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सी चटपटी और खट्टी अच्छी लगती है। क्योंकि सर्दियों का सीज़न शुरू होते ही गोभी भी आने लगती है और टमाटर भी सस्ते हो जाते हैं, इसलिए आप खूब सारे टमाटर डालिए और थोड़ी सी चटपटी और खट्टी सब्ज़ी बनाइए आलू गोभी की। बनने के बाद में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप ज़ीरा राइस, पराठे, पूरी या रोटी के साथ में सर्व करिए। देखिए सब्ज़ी में हमने जो बचे हुए टमाटर थे वो भी डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 1/2 ग्लास पानी यूज़ किया है। कप से पानी जो मैंने इसमें डाला है वो 1.5 कप पानी मैंने इसमें यूज़ किया है। और पानी डालने के बाद में कुकर का ढक्कन बंद करके 4 सीटी आने तक हम सब्ज़ी को पका लेते हैं। 4 सीटी हो गई है, कुकर का ढक्कन खोलकर चेक करेंगे। देखिए सब्ज़ी हमारी अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। बनके तैयार है हमारी आज की टेस्टी स्वादिष्ट आलू गोभी की सब्ज़ी। आप भी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी रेसिपी की नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी लेकर के। थैंक यू, बाय बाय।